Good morning, dear student. Welcome to the online class. First of all, I am going to introduce myself. I am Neha Singh, your science teacher. This is your textbooks of class 7. ये साइंस की बुक है. हेयर इज़ योर कंटेंट कि हमें साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नेचुरल फाइबर्स, हीट एंड टेम्परेचर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो ये आपके पूरा कंटेंट है जो हमें इस सेशन में कवर करना है. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट आप सभी जानते हैं. प्लांट आप सबने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा ही होगा. छोटे बड़े प्लांट्स को आपने देखा है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे हमें बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए और अपनी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. तो मोस्ट फूड वी इनसॉल्युबल फॉर्म, जो मोस्ट फूड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होता. द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, रफेज होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और वाटर भी होता है. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़. जो फूड होता है वो भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी डेली एक्टिविटी के लिए हेल्प करता है और हमें ग्रो करने में और हमें रिप्रोड्यूस करने में भी हमें फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड ही हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. उस एनर्जी को यूज़ करके हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. तो जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइम्स के, उसी तरह से वो फूड को भी इनटेक करते हैं, ठीक है ना. जैसे हमारे में देख लीजिए, वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, जो सभी तरह का खाना खा सकते हैं वो भी होते हैं, ठीक है ना. तो जैसे जैसे डिफरेंट एनिमल्स, उसी तरह से उनके डिफरेंट फूड होते हैं, काइंड ऑफ फूड. तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अर्थ पे ओनली एंड ओनली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे मेड देयर ओन फूड बाय इट्सेल्फ, ठीक है. और जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना पूरा का पूरा फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट. कहीं भी अगर साइंस में आपको फोटो शब्द आए तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है. तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, मैंने बता दिया आपको. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी. तो जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना नहीं स्टोर होता, उस खाने से हम सारे मिनरल्स विटामिन्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो रिसीव कर लेते हैं और उसको केमिकल के रूप में क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना. जैसे आपको फैट जो होता है आपके बोन्स के ऊपर की जो लेयर होती है उसमें फ़ैट को आप विजिबली देख सकते हैं कि ये फैट आप में यहाँ पर स्टोर हो रही है, ठीक है. तो प्लांट्स में जो होता है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होता है. टू मेक दिस फूड एनर्जी अवेलेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड देयर बॉडी. जब भी ऑर्गेनिज्म को इसकी नीड होती है तो वो क्या करते हैं, जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है वो ब्रोकन हो जाती है सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में बॉडी के अंदर. दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी. तो आपको पता है कि जब तक वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तब तक उसमें से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी. तो फिर जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, ऑक्सीजन इनटेक होती है, फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो जो हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं और जब उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसको अप्लाई करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो फूड है वो बेसिक सोर्स है एनर्जी का, यानी उसी से हमें ताकत मिलती है. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कैसे
गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो तरह की होती हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है, न्यूट्रिशन। ओके, ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल, जो ह्यूमन होते और जो एनिमल होता है वो टोटली या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट से या फिर छोटे एनिमल से। दिस डिपेंडेंस फॉर फूड ऑन वन अनदर एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर डिस्कस इन दिस चैप्टर, तो हम लोग इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हम डायरेक्टली या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जैसे हम डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, यानी कि जैसे फल हुए, सारी हरी सब्जियाँ हुई, ये डायरेक्ट हम इसको खाते हैं, या जिन प्लांट्स को हम नहीं खा पाते वो कोई एनिमल खाता है और उस एनिमल से हम लेते हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि इस अर्थ पे अगर फूड का सिंथेसिस कोई कर सकता है तो वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना। हम क्या करते हैं, फूड अवेलेबल होता है फिर उसको मेक करके खाते हैं, लेकिन सिंथेसिस यानी जैसे कि हम वीट को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम राइस को सिंथेसाइज नहीं करते, हम राइस से खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंथेसिस ऑफ फूड कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स, और हम उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आप क्या समझे, दो तरह से होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे साइंस में मैंने आपको बताया कि फोटो का मीनिंग होता है लाइट, कहीं भी फोटो शब्द आ जाए तो आप उसको किससे रिलेट करेंगे, लाइट से। उसी तरह से जहाँ पे भी ऑटो शब्द आ जाए, है ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्लांट, तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब प्लांट, न्यूट्रिशन यानी कि जो सेल्फ, जो प्लांट सेल्फ न्यूट्रिशन ये खुद से लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और हेटरोट्रॉफिक मतलब जो अलग दूसरों से लेते हैं, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद से अपना सेल्फ, जैसे आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स, ऑटो रिक्शास, तो उसका मतलब क्या होता है, वो सेल्फ स्टार्ट होती है ना, तो जो सेल्फ से अपना खाना बनाए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटो, ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं या मेक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, एंड दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से। दे यूज़ क्लोरोफिल, आपको पता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनकी ग्रीन जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और सनलाइट की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल ही जाएगा, मिनरल्स भी आपको जो उसमें आप प्लांट्स के जो सॉइल जिसमें लगाए रहते हैं उसमें से उसको वाटर और मिनरल्स मिल जाएंगे। क्लोरोफिल आपको जो ग्रीन लीव्स हैं उससे मिल जाएगा, उसमें एक पिगमेंट होता है, और सनलाइट, इन सारे की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं और फिर क्या होता है, प्लांट का फूड सिंथेसाइज होता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे आपको ये बहुत एक रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन, जो ये ग्लूकोज है ये बेसिकली क्या है, ये प्लांट का फूड है, यही इसी फॉर्म में प्लांट का फूड बनता है, ठीक है ना। सो, आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।